नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, किसान आंदोलन को आज 71वां दिन हो चुका है। ऐसे में एक विपक्षी प्रतिनिधि मंडल गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है किसानों से बातचीत करने के लिए। और इसी बीच किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अलग अलग जिलों में उनको सभा करने की परमिशन दे दी जाए, लेकिन जिस तरीके से 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात यहाँ पर कह दी गई है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर सतर्क है। लेकिन राकेश टिकैत की बात करते हैं तो राकेश टिकैत यही कह रहे हैं कि चक्का जाम नहीं होगा, जो भी होगा शांति तरीके से यहां पर पूरा काम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि एक विपक्षी प्रतिनिधि मंडल यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है और साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा किसान को। इसके चलते यहां पर पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस द्वारा कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज ऑल इंडिया अब तक लगातार पहुंचा रहा है। आज किसान आंदोलन को 71वां दिन हो गया है, लगातार 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, किसान आंदोलन यहां पर चल रहा है, जिसके चलते अब लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो सतर्क होती जा रही है। क्योंकि 26 जनवरी को जो भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी वो 6 फरवरी को ना दोहराया जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस यहां पर पूरी कोशिश कर रही है। 12 लेयर की बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, किले भी लगाई गई है कि अगर किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश करते हैं तो हर संभव यहां पर प्रयास किया जाए उनको रोकने के लिए। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ऐसे में 71वां दिन हो चुका है, विपक्षी दल लगातार समर्थन दे रहे हैं किसानों का, जिसके चलते यहां पर एक प्रतिनिधि मंडल किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंच रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है।